Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ सुमैया, आप सबके सामने फिर एक और नई रेमेडी के साथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर में खुश भी होंगे। आज की मेरी रेमेडी है नेल से रिलेटेड। आज मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन की मदद से, जी गाइस, जो आपके घर में इजीली मिल जाएगा, तो लहसुन की मदद से हम किस तरह से अपने नेल्स की ग्रो कर सकते हैं, साथ ही उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये जो मैं आज आपके साथ रेमेडी शेयर करूंगी, इससे आपके जो नेल्स हैं वो ग्रो भी करेंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे और शाइनी भी हो जाएंगे। इस रेमेडी के 3 स्टेप्स होने वाले हैं। इन स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो 1 वीक में ही आपके नेल्स ग्रो करने लगेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो चलिए गाइस, देर नहीं करते, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें एक बोल में गार्लिक को रब करने के बाद हम इन्हें 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जब तक कि ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो 10 मिनट्स तक हम अपने फिंगर्स को, नेल्स को इसी तरह रहने देंगे। जब 10 मिनट्स हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल वाटर से अपने नेल्स को अच्छे से धो लेना है, वॉश कर लेना है और इन्हें किसी टॉवल से अच्छे से पोंछ लेना है। अब नेल्स पोंछने के बाद अब हमें क्या करना है, अगर आपके पास कोई नेल सीरम है तो आप उसे अप्लाई करें अपने नेल्स पर, और अगर नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा होता है हमारे नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। हमारे अगर नेल्स टूटने हैं तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे नेल्स की ग्रो करता है। तो इस तरह से हम नेल्स पर मसाज करेंगे, 5 मिनट तक आपको इसी तरह मसाज करनी है।
होगा कि हमारे नेल्स क्विकली स्ट्रॉन्ग होंगे, हेल्दी होंगे, ग्रो करेंगे और शाइनी भी हो जाएंगे। बहुत अच्छी रेमेडी है ये। इस तरह से आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके नेल्स जल्दी ग्रो करेंगे। ये आपको वीक में 4 times करना है। मसाज हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हम अपने नेल्स को ऐसे ही रहने देंगे, इन्हें वॉश नहीं करना है। इसी तरह ऑलिव ऑयल को हम लगे रहने देंगे। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। और अपना रिजल्ट भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी है। और रेमेडी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी और भी यूज़फुल सी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे एक अच्छी सी यूज़फुल सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।